काला पत्थर पुलिस ने गुज़िश्ता जुमा की रात पेश आए मोहम्मद अहमद के कत्ल की वारदात में मुलविस 8 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से एक कुल्हाड़ी, 5 तेज धार हथियार, 4 मोटरसाइकिलें और 4 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। काला पत्थर पुलिस स्टेशन SHO सुदर्शन ने एक प्रेस मीट करते हुए गिरफ्तार किए गए 8 मुलजमीन को मीडिया के रूबरू पेश किया और केस की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि नाजायज ताल्लुकात की वजह से मुलाजमीन ने मोहम्मद अहमद का कत्ल कर दिया था, उन्हें अब अदालती तहवील में भेज दिया जा रहा है। 22/11/2019 रात में 9:30 बजे से 9:40 PM मक्का कॉलोनी में एक ब्रूटली मर्डर हो गए। वो मर्डर इलीगली इंटीमेशन एक औरत से इलीगल इंटीमेशन रखने से बर्दाश्त नहीं होने से कारण से उसका भाई, लेडी का भाई, उसका बेटा और 7 अदर्स, इसमें 4 आदमी ये मर्डर केस में इन्वॉल्व हुआ, उसका सन और उसका भाई और 2 लोग ये हुए और 4 आदमी, 5 आदमी बाहर उसको शेल्टर दे दिया, वेपन व्हीकल्स अरेंज करा। ये पूरा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट से ये मर्डर हो गए। 5 साल से औरत और जो डिसीज्ड मोहम्मद अहमद ये हो गए। 2 साल पहले एक बड़ा लोन के बैठ के बात करेंगे बोल के एक ये भी करा, नहीं मार लिया तो एक केस हुआ, उसमें चिटे केस में 2 दिन जेल को जाके भी आ गए। उसके बाद पंचायत लगा के दूर रहने बोल के बोल दिया, मगर थोड़े दिन में फिर वो लोग वही ये करके बच्चे स्कूल को और उसका जोरू ऑटो चलाने के बाहर जाने के बाद औरत फिर ये लोग कॉल करके उसको बुला लेके वही हरकत चला तो बर्दाश्त नहीं करे से ये सोच के ये पूरा प्लान करके मोहम्मद अहमद को परसों 22 तारीख रात में 9:30 बजे से 9:30 बजे कोर्ट में मर्डर कर दिया। ये लोगों को पूरा पकड़ लिया, जो भी हथियार यूज़ करा हथियार पूरा सीज कर दिया, इसमें यूज़ करा सो व्हीकल्स भी सीज करा और ये लोगों का सेलफोन भी सीज करा। आज अरेस्ट करके आज कोर्ट में प्रोड्यूस करूँ।